हेलो दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी होममेड केक बनाना। ये देखिए, ये लिए हमने कुछ चेरी, कुछ ड्राई फ्रूट, ये देखिए ये जैम्स लिए हैं, ये बच्चों की चॉकलेट वाले गोले हैं, और ये लिए हमने बैम्बू सैंडविच ब्रेड, ये व्हिप क्रीम। ये देखिए आज मैं इसे बनाऊँगी। अब ये देखिए, एक बर्तन में हम इस क्रीम को डाल लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। ये देखिए इस तरह इसको फेंट लेंगे, या फिर आप दही बलोनी भी ले सकते हैं। जब तक ये गाढ़ा ना हो तब तक इसे फेंटना है दोस्तों। और फेंटने के बाद जब ये पूरा क्रीम अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए तब लेंगे हम चार सैंडविच ब्रेड। ये देखिए, जी हाँ, मैंने यहाँ लिए हैं 4-5 सैंडविच ब्रेड। आपको जिस हिसाब से अपने केक की ऊंचाई करनी है उस तरह करनी है, और उसके बाद में ब्रेड का ये बाहर का हिस्सा निकाल देना है। ये देखिए इस तरह चाकू की सहायता से इस तरह से ब्रेड प्लेन हो जाएगी। और देखिए यहाँ लिया है मेरे पास, मैंने लिया है यहाँ पर एक बोर्ड, और इस पर हम पीछे की तरफ एक क्रीम लगा देंगे और इसको ऐसे रख देंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा ब्रेड हिले नहीं। ये देखिए अब हम चम्मच की सहायता से इसको लगाएंगे, इस पर क्रीम को ऐसे देखिए फैलाएंगे। मोटी मोटी परत आपको लगानी है, अगर आपके पास क्रीम ज़्यादा है तो आप मोटे लगाइए वरना पतली, लेकिन मैंने इस पर अच्छी तरह पूरी क्रीम लगाई है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरह से दोस्तों अच्छे से लगा लेना। ये मैं किसी खास के लिए बना रही हूँ, अभी आपको बाद में बताऊँगी। अब हम इस पर दूसरा ब्रेड रखेंगे। और यहाँ देखिए जो हमने शुरू में आपको मैंगो दिखाए थे, मैंगो का हमने पल्प बना लिया, और इसको हम इस पर चमचे की सहायता, इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी मिला ली थी। अगर हम ज़्यादा मीठा हो तो चाहे नहीं भी मिलाएं, जो लोग नहीं ज़्यादा मीठा खाते स्पिक कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें मिलाया है शुगर को, हाँ जी शुगर मिलाई है इसमें। ये देखिए ऐसे हम चम्मच की सहायता से इसे लगा लेंगे। ये देखिए एक ब्रेड और इसके ऊपर रख दी। अब फिर से हम इस पर क्रीम लगाएंगे इसी तरह से। ये देखिए लगा दी, इसी तरह हमने सभी लगा लिए हैं। यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड का यूज़ किया है, आप इससे भी ऊंचा बनाना चाहें तो और भी लगा सकते हैं। लेकिन ये देखिए इस तरह चम्मच की सहायता से हम सारे में लगा देंगे। ये लेंगे हम बच्चों वाला एक स्केल, जो कि स्पेशल मैंने इस केक के लिए ही ख़रीदा है। ये देखिए ऐसे इसको हम फिनिशिंग कर देंगे। और यहाँ ली है मैंने एक पॉलोथीन जिसमें मैं अपना सामान पैक करती हूँ, इसे कैंची की सहायता से हम इसे काट देंगे, यानी फिनिशिंग करेंगे, ये बाद में हमें दिक्कत ना हो। इस तरह से ये देखिए ऐसे कैंची से। और यहाँ मैंने लिया है ग्लास, और ग्लास के अंदर रखी है इस पॉलोथीन को, क्योंकि मैं कोन नहीं लाई हूँ। वैसे मिल जाती है मार्केट में, ये है एक नोजल जो मेरे पास पड़ा था घर में ही, और अब मैं इसको इस पॉलीथीन के अंदर डाल दूंगी। इसको ऐसे करने के बाद अब मैं इसके अंदर क्रीम को डालूंगी। ये देखिए बहुत ही आराम से डल जाती है क्रीम इसके अंदर चमचे की सहायता से। देखिए ऐसे क्रीम को डालना है, अच्छे से डालकर इसे थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये निकलेगी। ये देखिए इसमें, वैसे मुझे ड्राइंग ज़्यादा नहीं आती है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। ये देखिए ऐसे इसको डेकोरेट करेंगे, जिसकी जिन्हें अच्छी तरकीब चलानी आती है वो बहुत अच्छे से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, और इसे मैंने सजाना इतने आसानी से बताया है, आराम से ही आपके आसपास की दुकानों पर भी ये सामान मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब मैं हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी इससे यहाँ साइडों में कॉर्नर में भी ऐसे ही लाइन बना देंगे, और वो डॉट्स बनाकर ये फूल फ्लावर बनाएंगे। मैंने यहाँ पर वाइट क्रीम का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास कलरफुल अवेलेबल नहीं थी अभी। और ये देखिए इस तरह मैं चेरी को इस पर लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से चेरी को लगाया, चारों तरफ चेरी को लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा लगाना है। और फिर हमने यहाँ साइड में जो लाइन बनाई थी इसके ऊपर हम मैंने जैम लगा दिए हैं, ताकि बच्चे खाएँ तो बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव कर गया ये केक। केक स्पेशल बच्चे ज़्यादा खाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगा दिया है इसके ऊपर, बादाम की कतरन गिर दी। और ये लिए हैं मैंने जैम वाले गोले, आते हैं दुकान पर मिल जाते हैं आराम से, चॉकलेट फ्लेवर में भी आते हैं, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। ये देखिए ऐसे
दोस्तों अगर आपको चॉकलेट लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। चॉकलेट को काफ़ी देर फ्रिज में रखना पड़ता है, इसलिए मैंने यही काम चला लिया है। ये देखिए, अब मैं ये बची हुई जेली से इसको ऐसे करूँगी, इसको कॉर्नर पर दूँगी। ये देखिए, इस पर मैंने जिनके लिए केक बनाया नाम भी लिख दिया। ये देखिए, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो सर, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये देखिए कितना अच्छा केक बना या नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। बाय दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो आपके लिए पहले मैंने एक बना रखी थी, लेकिन आज की ये स्पेशल वीडियो मुझे ज़रूर डालनी थी, क्योंकि आज हमारे सर का बर्थडे है। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।